Good morning students, today we will start exercise 1.1 of chapter 1st integers. इससे previous video में हम exercise 1.1 के question 9 तक discuss कर चुके हैं. Now in this video we will discuss question number 10. Start करते हैं question number 10 से. A water tank has steps inside it. A monkey sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. Question 10th क्या given है हमें? एक water tank है जिसमें steps दे रखी है अंदर की तरफ और जो monkey है वो topmost step पर बैठा है, मतलब first step पर बैठा है और उस water tank में total कितनी step है? 9 steps. ठीक है, जो water level है वो कहाँ तक है? 9th step तक है. जो monkey है वो कहाँ बैठा हुआ है? Topmost step पर बैठा हुआ है. Now first part है. First part में क्या पूछा है? He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? Part first में हमें कहा है कि जो monkey जो topmost पर बैठा है, हमने question में पढ़ा कि जो monkey है वो topmost step पर बैठा है, that is first step पर बैठा है और जो water level है वो कहाँ तक है? 9th step तक है, right? अब हमें condition दी है first कि he jumps 3 steps. तीन स्टेप नीचे की तरफ जाता है, मंकी बैठा है टॉप मोस्ट पर, फिर वो 3 स्टेप नीचे की तरफ लेता है. तो फर्स्ट, टू और थ्री, थर्ड स्टेप में वो कहां पर आ जाएगा? फोर्थ स्टेप पर. फिर वो क्या करता है? देन जंप बैक 2 स्टेप. पहले तो वो 3 स्टेप नीचे की तरफ लेता है, उसके बाद 2 स्टेप वापस पीछे की तरफ लेता है. सो देखो, अगर मंकी यहां पर बैठा है, सबसे पहले वो 3 स्टेप्स लेगा. सो 1 2 3, किस स्टेप पर आ गया? स्टेप पर आ गया. जब उसने 3 स्टेप्स ले लिए, उसके बाद वो 2 स्टेप्स पीछे की तरफ ले रहा है, तो अभी वो 4th पर आ चुका है, तो वापस 2 स्टेप पीछे लेना, तो 1 2. अब किस स्टेप पर पहुंच गया? वो 2 स्टेप पर पहुंच गया. तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? पहले 3 स्टेप डाउन की तरफ लेता है, मतलब नीचे की तरफ लेता है, फिर 2 स्टेप वो वापस पीछे की तरफ लेता है. तो हमें बताना है कि वो कितनी जंप्स में वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा. वाटर लेवल किस कहां पर है? 9th स्टेप पर है. तो हमें बताना है कि उसको ऐसे वैसे कितने जंप्स लेगा कि वो वाटर लेवल, मतलब 9th स्टेप पर पहुंच जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो स्टेप वो नीचे की तरफ ले रहा है, जो स्टेप नीचे की तरफ ले रहा है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्टेप वो ऊपर की तरफ ले रहा है उनको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, और हम फाइंड आउट करेंगे कि उसको कितने जंप्स वो लेगा ताकि वो वाटर लेवल पर पहुंच जाए, मतलब 9th स्टेप पर पहुंच जाए. नाउ कैसे करेंगे? इनिशियली मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. अभी मंकी कहाँ बैठा हुआ है? टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप से वो जंप करना शुरू करेगा. सबसे पहले वो 3 स्टेप नीचे की तरफ लेगा, उसके बाद 2 स्टेप वापस पीछे की तरफ लेगा. तो जो वो स्टेप नीचे की तरफ लेगा उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ऊपर की तरफ ले रहा है उसको हम नेगेटिव से करेंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट जंप, पहला जंप जो वो लगाएगा, पहले वो फर्स्ट स्टेप पर बैठा है, पहला जंप लगाएगा, 3 स्टेप्स नीचे की तरफ लेगा, तो 1 में 3 को प्लस करो तो कितना आया? 4th स्टेप. तो मतलब अब वो कितनी सीढ़ी पर पहुंच चुका है? 4th स्टेप पर पहुंच चुका है. किस पर पहुंच चुका है? वो 4th स्टेप पर पहुंच चुका है. उसके बाद जब वो सेकंड जंप करेगा तो वो क्या करेगा? अब 2 स्टेप्स पीछे की तरफ लेगा. पहले 3 स्टेप आगे की तरफ लेता है, फिर 2 स्टेप वो पीछे की तरफ लेता है. फर्स्ट जंप में उसने 3 स्टेप्स आगे की तरफ लिए तो वो 4th स्टेप पर पहुंच गया. अभी वो कहां पर है? 4th स्टेप पर है. तो 4th स्टेप से वो 2 कदम पीछे की तरफ लेगा. तो 4th स्टेप से जब वो 2 कदम पीछे की तरफ लेगा तो किस स्टेप पर पहुंच जाएगा? सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएगा. ठीक है, सेकंड जंप पर वो सेकंड स्टेप पर होगा. उसके बाद जब वो थर्ड जंप करेगा, अब वो क्या करेगा? वापस से 3 स्टेप आगे की तरफ लेगा. अभी वो सेकंड जंप पर सेकंड स्टेप पर पहुंचा था, अब 3 स्टेप्स वो आगे की तरफ लेगा तो किस पर पहुंच जाएगा? 5th स्टेप पर पहुंच जाएगा. ठीक है, उसने आगे की तरफ 3 स्टेप लिए, अब क्या करेगा? 2 स्टेप पीछे की तरफ लेगा, ऊपर की तरफ लेगा. तो 4th जंप में वो क्या करेगा? अभी वो 5th स्टेप पर है. 2 स्टेप उसने अप की तरफ लिए, ऊपर की तरफ लिए, तो 5 में से माइनस करा 2, तो कितना आ गया? 3 स्टेप. अभी वो किस पर पहुंच चुका है? 4th जंप में 3 स्टेप पर पहुंच चुका है. ठीक है, तो जो उसने 4th जंप लगाई है उस पर वो अभी 3 स्टेप्स पर है. पर हमें बताना है कि वो कितने जंप्स में वाटर लेवल पर पहुंचेगा. वाटर लेवल कहाँ है? 9th स्टेप पर है.
ठीक है। नाउ वो सिक्स्थ जंप लेगा, फिफ्थ जंप पर वो कहां पर था, सिक्स्थ स्टेप पर था। नाउ सिक्स्थ जंप लेगा तो वो पीछे की तरफ लेगा, अप की तरफ लेगा, तो टू स्टेप माइनस करेंगे इसके, तो सिक्स में से टू माइनस करा तो कितना आया, फोर स्टेप। तो नाउ सिक्स्थ जंप में वो कौन से स्टेप पर है, फोर्थ स्टेप पर, ठीक है। अब वो सिक्स्थ जंप में फोर्थ स्टेप पर है, फिर वापस से वो जंप लेगा तो क्या करेगा, आगे की तरफ लेगा, नीचे की तरफ, तो फोर प्लस थ्री तो कितना आ गया, सेवन स्टेप। जब तीन स्टेप उसने नीचे की तरफ लिए तो अब वो कौन से स्टेप पर पहुंच चुका है, सेवन स्टेप पर पहुंच चुका है, ठीक है। फिर वो एट जंप लेगा जिसमें वो वापस दो कदम पीछे की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो अभी वो सेवन स्टेप पर है, सेवन में से टू माइनस कर तो कितना आया, फाइव। तो अब वो कौन से स्टेप पर पहुंच चुका है, फिफ्थ स्टेप पर पहुंच चुका है। हमें उसको कहां तक पहुंचाना है, नाइन्थ स्टेप पर। अभी वो फिफ्थ स्टेप पर ही है तो अभी और जंप लेगा, अब वो नाइन्थ जंप लेगा, नाइन्थ जंप में देखो अभी वो एट जंप में फिफ्थ स्टेप पर पहुंचा था, फिफ्थ में वापस वो आगे की तरफ जंप लेगा तो प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री कितना आया, एट स्टेप। तो नाइन्थ जंप में वो कहां पर पहुंच गया, एट स्टेप पर पहुंच चुका है। अगेन वो नाइन्थ टेंथ जंप लेगा, टेंथ जंप में वो अगेन क्या करेगा, दो स्टेप पीछे की तरफ लेगा, ठीक है। दो स्टेप कितनी तरफ लेगा, पीछे की तरफ लेगा दो स्टेप। तो देखो एट में से टू माइनस करें कितना आ गया, सिक्स स्टेप। तो मतलब वो टेंथ जंप में सिक्स स्टेप पर होगा, ठीक है। अब उसको वापस वो एक जंप लेगा तो आगे, अब जंप जो लेगा वो कहाँ होगा, आगे की तरफ होगी, कितनी स्टेप होगी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, आगे की तरफ थ्री जंप लेगा वो। अभी वो टेंथ जंप पर सिक्स स्टेप पर है, जब वो सिक्स स्टेप पर था उसने तीन जंप और ली तो अब वो कहाँ पर पहुंच चुका है, नाइन स्टेप पर पहुंच चुका है। और नाइन स्टेप पर ही क्या है, वाटर लेवल है। तो यही तो हमें बताना था कि उसको कितने जंप वो लेगा ताकि वो वाटर लेवल पर पहुंच चुके। अब वो वाटर लेवल पर पहुंच चुका है मतलब वो नाइन्थ स्टेप पर पहुंच चुका है, तो उसके लिए उसने कितने जंप लिए, इलेवन जंप्स लिए। सो देयरफॉर मंकी टुक इलेवन जंप्स, दैट इज नाइन्थ स्टेप टू रीच द वाटर लेवल। नाउ सेकंड है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स फोर स्टेप्स अप एंड देन जंप बैक टू स्टेप डाउन इन एवरी मूव। सो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो मंकी था वो टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा था, दैट इज फर्स्ट स्टेप पर बैठा था, और फिर वो क्या कर रहा था, जंप करते हुए, इलेवन जंप करते हुए वो नाइन्थ स्टेप पर गया, मतलब वाटर लेवल पर गया। अब मंकी कहाँ पर बैठा है, नाइन्थ स्टेप पर बैठा है। नाइन्थ पर क्यों बैठा है, क्योंकि फर्स्ट में हमने देखा था कि वो नाइन्थ स्टेप पर जा चुका है इलेवन जंप में। अब भाई उसने नीचे पानी में गया, पानी पी लिया, उसने पानी पी कर वापस फर्स्ट स्टेप पर आना चाहता है, तो फर्स्ट स्टेप पर आने के लिए वो क्या कर रहा है, वो चार स्टेप ऊपर की तरफ लेता है। वो नीचे बैठा है नाइन्थ स्टेप पर तो चार स्टेप ऊपर की तरफ लेता है, वन टू थ्री फोर, तो कहाँ पर पहुँच जाता है, फाइव स्टेप पर पहुँच जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो टू स्टेप वापस से नीचे की तरफ ले लेता है, फिर वो टू स्टेप वापस नीचे की तरफ ले लेगा तो वन टू, तो अब किस पर पहुंच गया, वो सेवन पर। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, पहले वो फोर स्टेप ऊपर की तरफ ले रहा है, फिर दो स्टेप वो वापस नीचे जा रहा है। तो हमें बताना है इस बार कि उसको कितने जंप्स लगेंगे ताकि वो टॉप स्टेप पर पहुंच जाए। उस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए उसको कितने जंप्स वो लगाएगा जब वो फोर स्टेप ऊपर की तरफ लेगा और दो स्टेप नीचे की तरफ लेगा, ठीक है। तो हमें उसके जंप्स बताने हैं। नाउ लेट अस कंसीडर स्टेप मूव डाउन। सो जो वो स्टेप नीचे की तरफ ले रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। जो वो डाउन की तरफ स्टेप्स ले रहा है, जो डाउन स्टेप्स ले रहा है वो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से। और जो स्टेप्स को अप की तरफ ले रहा है, ऊपर की तरफ ले रहा है अप स्टेप, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अपोजिट, दैट इज नेगेटिव इंटीजर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। सो फाइंड आउट करेंगे कि उसको कितने जंप वो लेगा वापस फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए। अभी मंकी कहाँ पर बैठा है, नाइन्थ स्टेप पर बैठा है। फर्स्ट पार्ट में वो टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा था, पर सेकेंड पार्ट में वो पानी जब उसने पी लिया है, जब वो नाइन्थ स्टेप पर पहुंच गया है, तो अभी वो नाइन्थ स्टेप पर बैठा है, ना कि फर्स्ट स्टेप पर। तो सेकेंड वाले पार्ट पर इनिशियली द मंकी सिटिंग ऑन द नाइन्थ स्टेप, दैट इज द वाटर लेवल। सो इनिशियली मंकी इज एट द नाइन्थ स्टेप, दैट इज द वाटर लेवल, ठीक है। मंकी का बैठा हुआ है नाइन्थ स्टेप पर बैठा हुआ है।
तो देखो नाइन्थ स्टेप से वो जंप मारना शुरू करेगा, फर्स्ट जंप मारेगा वो। तो देखो क्या करेगा, सबसे पहले वो जंप कैसे मारता है, फोर स्टेप्स ऊपर की तरफ मारेगा, चार स्टेप्स वो ऊपर की तरफ आएगा। और हमने क्या बोला था कि जब वो ऊपर की तरफ जो जंप लेगा, जो स्टेप्स लेगा, उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और डाउन को पॉजिटिव से। तो वो ऊपर की तरफ ले रहा है तो माइनस, तो नाइन माइनस फोर किस पर आ गया, वो फिफ्थ स्टेप पर पहुँच चुका है। फर्स्ट जंप में वो फिफ्थ स्टेप पर पहुँच चुका है और हमको बताना है कि वो कितने जंप्स लेगा फर्स्ट स्टेप पर पहुँचने के लिए। नाउ अगेन वो सेकंड जंप लेगा, इस बार वो जो सेकंड जंप लेगा उसमें क्या करेगा, वो जो दो स्टेप है वो वापस नीचे की तरफ जाएगा। चार स्टेप्स तो वो ऊपर की तरफ आता है ना, दो स्टेप्स वो नीचे की तरफ जाता है। तो जो स्टेप्स वो नीचे की तरफ ले रहा था उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी फर्स्ट जंप में वो फिफ्थ स्टेप पर था, फिफ्थ स्टेप से वो दो स्टेप्स आगे कितना क्या करेगा, दो स्टेप्स वो नीचे की तरफ लेगा। तो 5+2 कितना आ गया, 7 स्टेप। अब वो किस पर पहुँच चुका है, 7 स्टेप पर पहुँच चुका है, ठीक है। सेकेंड जंप में वो 7 स्टेप पर है, अगेन वो थर्ड जंप लेगा, थर्ड जंप में क्या करेगा, चार स्टेप्स ऊपर की तरफ लेगा। तो 7-4 कितना आ गया, 3 स्टेप्स। अब वो किस पर पहुँच चुका है, थर्ड स्टेप पर पहुँच चुका है, अगेन वो जंप लेगा, इस बार क्या करेगा, दो स्टेप नीचे की तरफ जाएगा। थर्ड जंप में वो थर्ड स्टेप पर था, दो स्टेप्स वो नीचे की तरफ गया, 3+2 कितना आ गया, फिफ्थ स्टेप। तो फोर्थ जंप में वो फिफ्थ स्टेप पर पहुँच चुका है। नाउ अगेन वो फिफ्थ जंप लेगा, अभी वो फोर्थ जंप में फिफ्थ स्टेप पर बैठा है, ठीक है। फिफ्थ जंप लेगा तो क्या करेगा, चार स्टेप ऊपर की तरफ लेगा, ऊपर की तरफ लेगा तो हम उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी वो फोर्थ जंप में फिफ्थ स्टेप पर था, उसने चार कदम ऊपर की तरफ लिए, तो 5-4 किस पर पहुंच गया, वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया। और हमको यही बताना था कि वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए कितने जंप्स लेगा, उसको फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए कितने जंप्स की रिक्वायर्ड हुई, कितने जंप्स लिए उसने। मंकी टुक 5 जंप्स टू रीच फर्स्ट स्टेप, कितने जंप्स लिए उसने, 5 जंप्स। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ए गिवन है -3+2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू -8 एंड बी 4-2 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 8। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। थर्ड में क्या बोला है कि अगर जो नंबर ऑफ स्टेप्स वो नीचे की तरफ ले रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर से, और जो स्टेप्स वो ऊपर की तरफ ले रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। तो हमको उसके मूव्स बताने हैं पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में किसको कंप्लीट करते हुए, इन ए और डी की इक्वेशंस को कंप्लीट करते हुए, जिसमें ए में हमसे बोला है कि जो सम है -8 वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, कितना कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने 8 स्टेप नीचे की तरफ लिए, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे ए में, और बी में क्या बताना है हमें कि सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, जो बी में सम आ रहा है इक्वल्स टू 8 वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ए में जो सम है -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 8 स्टेप नीचे की तरफ ले रहा है, तो जो बी है उसमें जो सम आ रहा है 8 वो किसको रिप्रेजेंट करना है, ये हमको बताना है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन, अगर जो स्टेप्स वो डाउन की तरफ लेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बार नेगेटिव से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। और जो स्टेप्स वो अप की तरफ लेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। फर्स्ट एट में क्या है हमारे पास, -3+2 माइनस अप टू इक्वल्स टू सम कितना देखा है, -8। जब हमने फर्स्ट पार्ट करा था तब हमने देखा था कि जो मंकी था वो कौन से स्टेप पर था, फर्स्ट स्टेप पर था, और वो 3 स्टेप्स नीचे जा रहा था, फिर 2 स्टेप्स वापस पीछे आ रहा था, 3 स्टेप्स वो नीचे जा रहा था, 2 स्टेप्स वो वापस ऊपर आ रहा था, और वो फर्स्ट स्टेप्स से कहाँ जाना चाह रहा था, 9th स्टेप पर जाना चाह रहा था। तो हमने देखा भी था कि 9th स्टेप पर कितने जंप्स में पहुंचा था, 11 जंप्स में वो 9th स्टेप पर पहुंचा था, ठीक है। इस तरह से उसने कितने स्टेप्स जंप्स लिए थे, 9 जंप्स लिए थे 9th स्टेप पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वो फर्स्ट स्टेप पर था, उसने वो क्या करा, उसने 3 स्टेप्स नीचे की तरफ लिए तो -3, फिर उसने वापस 2 स्टेप्स ऊपर की तरफ लिए तो +2, ऐसे करके उसने कितने जंप्स लिए हैं, पूरे टोटल 11 लिए थे, तो उसको सॉल्व करेंगे -3 +2
जो है वो 8 स्टेप नीचे की तरफ जा रहा था। ये हमने कैसे पता लगाया कि वो 8 स्टेप नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि जो स्टेप्स को नीचे की तरफ ले रहा था उसको हमने नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, सो दैट मीन्स जो मंकी था वो नीचे की तरफ जा रहा था, गोइंग 8 स्टेप डाउन। नाउ बी पार्ट में हमें बताना था कि जो सम दे रखा है इक्वल्स टू 8, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारा जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें -8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी 8 स्टेप नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो यहाँ पर सम है इक्वल्स टू 8 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हमने सेकेंड पार्ट किया था तब हमने देखा था कि जो मंकी जब था, जब वो 9th लेवल पर पहुँच चुका था, जब वो 9th लेवल पर पहुँच चुका था, वाटर लेवल पर पहुँच चुका था, कहाँ से, फर्स्ट स्टेप से। ठीक है, जब उसने फर्स्ट स्टेप से 9th स्टेप पर गया था वो, तो उसको कितने जंप्स लगे थे, 11 जंप्स लगे थे, हमने सॉल्व किया था। अब वो वाटर लेवल पर पहुंच चुका था सेकंड पार्ट में, अब वो क्या करेगा, 9th स्टेप से वापस पानी पीने के बाद वापस फर्स्ट स्टेप पर गया था, और फर्स्ट स्टेप पर जाने के लिए उसको कितने स्टेप्स लगे थे, 5 स्टेप्स लगे थे, ये भी हम 5 जंप्स लगे थे। ठीक है, तो उसको 5 जंप्स लगे थे 9th स्टेप से वापस फर्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा था, 4 जंप्स को ऊपर की तरफ ले रहा था और 2 स्टेप्स को अगेन नीचे की तरफ ले रहा था। ऐसे करके उसने कितने जंप्स लिए, 5 जंप्स लिए, तो 4 -2 + 4 -2 + 4। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 4 + 4 + 4 कितना आ गया, 12 में से 4 -2 और -2 कितना होते हैं, -4, 12 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 8। तो ये हमारे किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे किसके, राइट हैंड साइड के, किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे जो कि इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, है ना। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि वो जो स्टेप्स है वो कहाँ पर ले रहा था, ऊपर की तरफ। सो देयरफॉर मूव से पार्ट सेकंड रिप्रेजेंट मंकीज गोइंग अप 8 स्टेप बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके साथ प्लस का साइन है, और हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो स्टेप्स वो ऊपर की तरफ लेगा उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्टेप्स को नीचे की तरफ लेगा उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब वो 8 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा था फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए। नाउ ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे।